ड्राइविंग करते वक्त बेहद सावधान रहना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी लापरवाही मुसीबतों की वजह बन सकती है और आपको सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकती है। गाड़ी चलाने के मामले में की गई लापरवाही के लिए मोटर वाहन यानी के MV एक्ट के अलावा IPC के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाना भी कानूनी तौर पर एक क्राइम है। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लापरवाही से ड्राइविंग करने पर कौन सा केस बनता है, साथ ही लापरवाही से की गई ड्राइविंग से होने वाले एक्सीडेंट पर कौन कौन से सेक्शन लगाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई शख्स अगर लापरवाही से गाड़ी चलाता है, मसलन तय स्पीड लिमिट से ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाता है या फिर कम स्पीड में ही बेतरतीब तरीके से ड्राइविंग करता है, तो MV एक्ट के साथ साथ IPC सेक्शन 279 के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि लापरवाही की वजह से कोई हादसा हो तभी केस दर्ज होगा। अगर कोई पुलिस को ये सूचना दे दे कि फुला शख्स लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, तो पुलिस उस ड्राइवर के खिलाफ IPC सेक्शन 279 के तहत केस दर्ज करती है। ये जरूरी नहीं है कि घटना घटे ही, एहतियात के तौर पर भी केस दर्ज हो सकता है। और अगर ये साबित हो जाए कि वाहन चालक की लापरवाही से किसी की जान को खतरा हो सकता था, तो फिर उसे 6 महीने तक की कैद भी हो सकती है। गाड़ी चलाते वक्त अगर कोई एक्सीडेंट कर दे और उसमें कोई शख्स घायल हो जाए, तो ड्राइवर के खिलाफ IPC सेक्शन 337 यानी ऐसा जख्म देना जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता था, और 338 के तहत केस दर्ज हो सकता है यानी किसी को ऐसा गंभीर जख्म देना जिससे कि उसकी जान को खतरा हो। सेक्शन 337 में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की कैद और सेक्शन 338 में ज्यादा से ज्यादा 2 साल की कैद का प्रोविजन किया गया है। अगर कोई शख्स लिमिट से ज्यादा शराब पीकर गाड़ी चलाता है, तो इसके खिलाफ MV एक्ट 185 के तहत केस दर्ज हो सकता है। शराब की लिमिट का मतलब ये है कि प्रति 100 ml ब्लड में 30 mg से ज्यादा एल्कोहल की मात्रा पाए जाने पर ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी शख्स की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए और जख्मी की मौत हो जाए, तो साधारण सिचुएशन में आरोपी के खिलाफ सेक्शन 304a यानी लापरवाही से मौत का केस दर्ज होता है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर ज्यादा से ज्यादा 2 साल की कैद का प्रोविजन किया गया है। हालांकि ये तमाम मामले जमानती अपराध है, लेकिन कोई शख्स जानबूझकर ऐसी हरकत करता है जिससे किसी की मौत हो जाती है, तो आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होता है। ऐसी सूरत में देखा जाता है कि चालक को पता था कि उसकी हरकत से एक्सीडेंट हो सकता है और किसी की मौत हो सकती है। साथ ही एक्सीडेंट के बाद अगर ड्राइवर गाड़ी न रोके और घायल शख्स को गाड़ी से घसीटे या फिर कोई ऐसी हरकत करे जिससे टक्कर के बाद उसकी मौत हो जाए, तो भी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होता है। ये मामला गैर जमानती होता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर किसी की गाड़ी के नीचे कोई टक्कर लगने से फंस गया है और फिर वो गाड़ी को रोकने के बजाय उसे ड्रैग कर रहा है और उस शख्स की मौत हो जाए, तो निश्चित तौर पर केस गैर इरादतन हत्या का बनेगा। लापरवाही से मौत के मामले में पुलिस उस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करती है जिसकी लापरवाही से मौत हुई हो। नियमों के मुताबिक अगर किसी शख्स की किसी और की गाड़ी की टक्कर से मौत हो जाए, तो पुलिस को ये देखना होता है कि टक्कर मारने वाली गाड़ी के ड्राइवर की कितनी गलती है। गलती होने पर उसके खिलाफ IPC सेक्शन 304A के तहत केस बनता है। अगर टक्कर मारने वाली गाड़ी ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए चल रही हो, ग्रीन लाइट होने पर चौराहा पार कर रही हो और इस दौरान किसी और गाड़ी ने रेड लाइट जम कर दी हो जिस कारण हादसा हो जाए और रेड लाइट जम करने वाली गाड़ी के ड्राइवर या फिर उसमें सवार किसी शख्स की मौत हो जाए, तो रेड लाइट जम करने वाले ड्राइवर की गलती मानी जाएगी। इसके उलट अगर टक्कर मारने वाली गाड़ी के ड्राइवर ने रेड लाइट जंप की और उसकी लापरवाही से दूसरी गाड़ी को टक्कर लगे और उसके ड्राइवर या उसमें सवार शख्स की मौत हो जाए या कोई जख्मी हो जाए, तो टक्कर मारने वाले ड्राइवर की जिम्मेदारी बनेगी। पुलिस चश्मदीद गवाहों से पूछताछ करती है, CCTV वगैरह देखती है। छानबीन के आधार पर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाता है। लापरवाही में नॉलेज का पार्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी लापरवाही जिसके बारे में पहले से जानकारी हो कि इससे किसी की जान जा सकती है, वहां लापरवाही का मामला नहीं बल्कि जानबूझकर की गई लापरवाही का मामला बनता है। ऐसे मामले में नॉलेज का पार्ट भी आ जाता है और IPC सेक्शन 304 पार्ट 2 का केस बन सकता है। सेक्शन 304 पार्ट 2 यानी गैर इरादतन हत्या के मामले में ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा का प्रोविजन किया गया है। ये एक गैर जमानती अपराध है।
किसी को मारने की नियत अगर ना भी हो लेकिन ऐसी हरकत जिससे किसी की जान जा सकती है और ये जानते हुए उस हरकत को किए जाने पर गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है। शराब पीकर हिट एंड रन केस का आरोपी हो या फिर ऐसी कोई भी हरकत जिससे सड़क हादसा हो सकता है वो इसी धारा के तहत आते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना कि अगर कोई शख्स लापरवाही से गाड़ी चलाता है और उससे कोई हादसा नहीं होता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 279 के तहत केस फाइल होता है, और अगर लापरवाही से गाड़ी चलाता है और उससे कोई हादसा हो जाता है तो हादसे में अगर उसने किसी को ऐसा जख्म दिया है जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता था तो फिर सेक्शन 337 के तहत केस दर्ज होता है, और अगर ऐसा जख्म दिया है जिससे उसकी जान को अब भी खतरा है तो फिर सेक्शन 338 के तहत मामला दर्ज होता है। इसी के साथ अगर जानबूझकर की गई लापरवाही से किसी की मौत हो जाती है तो फिर उसमें सेक्शन 304a यानी लापरवाही से मौत का केस दर्ज होता है। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जब भी आप ड्राइविंग करें तो उस एहतियात के साथ ड्राइविंग करें ताकि आप और दूसरे लोग सिक्योर रहें।